नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बारिश तूफानी और यूपी में पानी ही पानी। जिस तरह सितंबर में बाढ़ आई उससे उत्तर प्रदेश वाले हैरान हैं। बारिश तो हर बार सितंबर में उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन इस बार लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश होने से पॉश इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। कल लखनऊ की डूबी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुई थी, आपने भी देखी होंगी। हालांकि अधिकतर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है, पानी उतर चुका है, लेकिन बारिश और बिजली गिरने के बाद अब बर्बादी के निशान डरा रहे हैं। अलग अलग शहरों में हादसों में 48 घंटे में करीब उत्तर प्रदेश में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश ने इससे पहले ऐसी तबाही कभी नहीं मचाई। वो भी सितंबर के महीने में बादल ऐसे बरसे कि बारिश के साथ तबाही भी लेकर आई। राजधानी के पौश इलाकों की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया था, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। अब ज्यादातर इलाकों से पानी तो निकाल दिया गया, लेकिन बारिश के कारण हुई बर्बादी के निशान अब दिखने लगे हैं। लखनऊ में बारिश के साथ बिजली का कहर भी दिखा। अंबेडकर पार्क में पत्थरों से बनी इस हाथी की मूर्ति पर बिजली गिरी तो देखिए ये हाथी का स्टैचू कैसे खंड खंड हो गया। देखिए इस मूर्ति के सूंड और दांत पूरी तरह दरक चुके हैं। अब लखनऊ में ही बिजली गिरने की इस तस्वीर को देखिए। बारिश के दौरान बिजली गिरने से इस भारी भरकम चिमनी को देखिए। बिजली गिरने से ये चिमनी पूरी तरह दरार आने के बाद फट गई। लोगों को डर है कि ये किसी भी वक्त जमींदोज हो सकती है। प्रशासन और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी उम्मीद नहीं थी कि रविवार से सोमवार तक हुई 12 घंटे की मूसलाधार बारिश राजधानी को कई दाग दे जाएगी। लखनऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से 1090 चौराहे पर अंबेडकर पार्क के अंदर का यह हिस्सा धस गया था। पूरी मिट्टी नीचे धसने से नीचे बहता नाला दिखाई पड़ने लगा। बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है तमाम इलाकों में। पानी भर गया, लेकिन उसका दूसरा असर भी सड़क धसना शुरू हो गई है। और ये सड़क धसी है, ये अब इस सड़क पर धसने की वजह से पूरे ट्रैफिक को रोका गया है। नगर निगम की तरफ से जो मशीनें आई हैं, जो सड़क धसी हुई है उसको कहा जाए सुधारने का काम हो रहा है। आज सुबह LDA के VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया और उसकी मरम्मत का काम शुरू कराया। देखिए ये मजदूर बारिश के कारण बर्बाद हुई गड्ढों को कैसे भर रहा है। यहाँ आप लोग खड़े हैं, वहाँ से एक वाटर चैनल नीचे की तरफ गई थी, जिससे कि इरोजन हो गया था। हम लोग रात भर 24 आवर्स इसमें काम LDA की टीम ने किया, और आप देख रहे होंगे कि अब 99% हम लोगों ने रेस्टोर कर लिया है। एक आध घंटे में 100% रेस्टोर करेंगे। सरकार कह रही है कि भारी बारिश के चलते सभी जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। CM योगी के निर्देश के बाद से अधिकारी और मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। अतिवृष्टि को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। जल भराव वाले स्थलों पर पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं, और जो प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र में खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिए हैं, और चिकित्सालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है, बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यूपी में 48 घंटे में मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग शहरों में हुए हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सोमवार को ही 12 जिलों में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जिसमें देवरिया, उन्नाव, कानपुर नगर, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, जालौन, प्रतापगढ़,
पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, संभल और रामपुर में बारिश के कारण ज्यादा तबाही हुई है। बारिश की वजह से बर्बाद हो रही सड़कों पर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। अगर कोई नई सड़क 5 साल के अंदर टूटती है तो उसी कंपनी या ठेकेदार को उसकी मरम्मत करानी होगी। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। जो नव निर्माण हो रही है ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती है, क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होगी। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से सितंबर में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि सक्रिय है और इसने कल से यानी कि 10 सितंबर से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर इस निचली क्षोभ मंडली पूर्वा हवाओं और इस पश्चिमी विक्षोभ की पछुआ हवाओं का इंटरैक्शन शुरू हुआ। इसकी वजह से कल से बारिश की जो इंटेंसिटी है नॉर्दर्न यूपी में स्पेशली तराई के लॉन्ग वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। लेकिन ये सच है कि कल जिस तरह स्मार्ट सिटी लखनऊ करीब करीब तैरती दिखाई दी उसने लोगों को हैरान कर दिया। आज तक ब्यूरो। लखनऊ के बाद बाराबंकी, मुरादाबाद, कन्नौज की स्थिति क्या है ये भी आप देखिए। बाराबंकी में 1 लाख से अधिक की आबादी पानी की चपेट में आ गई है। निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। बाराबंकी के पौश इलाकों में भी जबरदस्त पानी है, लोग पानी भरने से जूझ रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ पुलिस और पीएसी के जवान भी यहां लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। तो कन्नौज में बारिश में कच्चा घर गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इटावा, बांदा जैसे जिलों में कई सड़कें बारिश में तबाह बर्बाद हो गई। बस जरा सी लापरवाही हुई और इस महिला का हाथ छूट गया। फिर देखिए सैलाब के बीच फंसी ये महिला कैसे पानी में बहने लगी। गनीमत रही कि महिला को समय रहते बचा लिया गया। दरअसल लखनऊ से सटे बाराबंकी में भी बारिश बर्बादी लेकर आई। बारिश ने पूरे शहर को सैलाब से सराबोर कर दिया। कमरिया बाग हो या छाया चौराहा या लखनऊ बस स्टॉप के पास पटेल तिराहा, हर जगह घुटनों से ऊपर पानी भरा दिखाई दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी और पुलिस बल अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी और यहाँ पर जो बारिश के बाद हालात है, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, बचा रही है यहाँ पर। ये बताइए अभी कितने लोगों को आपने बचाया है? लगभग लगभग 150 लोगों को बचा चुके हैं अभी हम लोग। कितनी टीमें लगी हुई हैं आप लोगों की? हम लोगों की अभी 2 टीमें लग चुकी हैं और अभी 2 जगह काम रेस्क्यू का काम चल रहा है अभी। आप लोगों को कहाँ से निकाला गया है, कहाँ पे फंसे थे? यहीं आ गए, गौसिया मस्जिद के पास। कब से फंसे हुए थे? कल सुबह से। कल सुबह से? अब निकल पाए हैं? अब निकल पाए। ठीक है। ये जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है वो ऐसे लोगों को लगातार निकाल रही है। बाराबंकी में प्रशासन की टीम ट्रैक्टर से निचले इलाकों का जायजा ले रही है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह लोगों की जान बचाई जा सके। कई रिहायशी इलाके ऐसे लग रहे हैं जैसे वो नदी के बीच में हो। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। समझ नहीं आ रहा कि इस पानी से कैसे छुटकारा मिलेगा। हमारे कुछ घर के लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, ना वो आ सकते हैं, हम ना जा सकते हैं, खाना लेके आए हुए हैं और जब से प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम भिजवा देंगे खाना। पानी भरे होने की वजह से बाराबंकी के कई इलाकों में 2 दिनों से बिजली कटी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अभी भी हजारों लोग अपने घरों में रहने को मजबूर है। कि किस तरीके से लोगों का मानना है 80 साल के बाद इस तरीके की जो हालात हुए हैं, आप देख सकते हैं इस घरों में जो हालात हैं वो घर घर के अंदर तक पानी है। लोग परेशान हैं कि उनको यहां से निकाला जाए, उनका सारा सामान जो है वो भी डूब चुका है। लोग अपनी ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं कि वहां से कम मदद मिलेगी और इसी वजह से ये जो टीम चल रही है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को लेके आ रही है। मुश्किल समय में आज तक की टीम लोगों को मदद भी पहुंचा रही है और उनका दर्द भी साझा कर रही है। लोगों ने कहा कि 80 साल में पहली बार ऐसा पानी देखा।
बारिश रुक भी गई तो जमुरिया नाला उफान पर है। लोगों की गाड़ियों के चक्के जाम हो गए। कई कॉलोनियां दरिया बन चुकी हैं। बस इसी में डूबकर जाने वाली हालत हो गई है। बाराबंकी में मसौली पुलिस स्टेशन का कैंपस भी पानी के बीच घिर गया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बाराबंकी में बारिश से करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। कल अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नदिया में 2 बच्चों की जसमंडा में एक पुरानी जो दीवार थी वहाँ पे बच्चे थे तो दोनों बच्चों की सबसे बड़े और जो आ भी चुके हैं उनके परिवार वालों से बात करते हैं। ऐसी ही कुछ हालत मुरादाबाद की भी है। यहाँ के भी रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर चुका है। जहाँ बाइक और गाड़ियाँ फर्राटा भरती थी वहाँ अब नाव चल रही है। लोगों के घरों में बारिश और नालों का गंदा पानी भर गया है। अब मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, जहाँ बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव है। मजबूर लोग पानी के बीच होते हुए अर्थी ले जाते दिखे। कई गाड़ियां पानी के बीच निकलने की जिद के दौरान बंद हो गई। उसके बाद धक्का लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कन्नौज में मूसलाधार बारिश के कारण एक कच्चा घर गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गांव वाले हादसे के 1 घंटे बाद मलबे से दोनों भाइयों के शव निकाल सके। घर वाले कह रहे हैं कि जानलेवा बारिश घर के चिराग बुझाकर चली गई। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।